फरीदकोट विच्चों लंघदी नहरां नूं कंक्रीट अते फाइबर सीड पा के पक्के करन दे विरोध विच बने जल जीवन बचाओ मोर्चे वल्लों अज फरीदकोट विच शहर वासियां अते वख-वख समाज सेवी जथेबंदियां दा वड्डा इकट्ठ कीता गया, जिस विच वड्डी गिणती विच शहर वासियां ने हिस्सा लिया। इस मौके गल्लबात करदे मोर्चे दे आगुआं ने कहा कि सरकार पंजाब दे किसानां दा पानी राजस्थान नूं देना चाहुंदी है। उन्हां कहा कि पर असीं किसे भी हालत विच नहरां पक्कियां नहीं करन देवांगे। एक सवाल दे जवाब विच उन्हां कहा कि जो साडे विधायक गुरदित सिंह सेखों अते पंजाब विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह सदवा वल्लों जो बार बार यह कहा जा रहा है कि नहरां पक्कियां नहीं होणगियां, पर उन्हां दे इन्हां दावियां दी पोल बीते दिन ही जिला प्रशासन नाल होई मीटिंग विच खुल गई, जिस विच डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट ने कहा कि अजिहे बयानां बारे उन्हां नूं कोई जानकारी नहीं, पर जो नहरां पक्कियां करन दा काम है उस दीआं तैयारियां मुकम्मल कीतियां जा रहियां हन अते जल्द काम शुरू किया जाएगा। उन्हां कहा कि प्रशासन नहरां पक्कियां करन विच पब्बा भार है, पर असीं किसी भी हालत विच नहरां पक्कियां नहीं करन देवांगे। देखो जी, साडी लोकां दी हुंदी है कोशिश करना, असीं आपदी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिथों तक साडी मंग जानी चाहिए सी, असीं आपदी मंग नूं लैके गए हैं, भावें केंद्र सरकार होवे, पंजाब सरकार होवे, संबंधित महकमे होण, जिला प्रशासन होवे, संबंधित महकमे होण, साडी मंग हर थां ते पहुँच चुकी है। असीं मचाकी मल सिंह पुल तों भोलू वाला पुल तक नहरां नूं पक्कियां नहीं होण देवांगे। ना कोई फाइबर लेयर शीट पाउण दित्ती जाऊगी, ना कंक्रीटीकरण करन दित्ता जाऊगा। अज क्यों इकट्ठे होए हैं? 30 तरीक नूं नहर दी बंदी दी तरीक रखी गई सी जी, सरहिंद फिडर दी। जे अज नहरबंदी हो जाती तो अज असी पक्का मोर्चा ला देना सी। हुण सरकार दे हाथ जारी, उन्होंने संघर्ष कितों तिकर देखना। जे बंदी दी तरीक अगे जाती, दोबारा बंदी करते हैं तो असी फिर इतने दोबारा कट्ठे होवांगे तो पक्का मोर्चा ला देंगे। सब तो पहला तो यह है जी, ये संघर्ष की सानूं लोड़ क्यों पई? क्योंकि जिन्नियां भी सरकारां, सेंटर सरकार होवे जां पंजाब सरकार होवे, कोई प्रपोजल लैके आउंदी है कॉपरेट घराणे प्रति, उस दे विच्चों संघर्ष निकलते हैं। इन्हां ने कहा हुण राजस्थान वास्ते पानी नूं पूरा करन वास्ते उत्थे जाण वास्ते इन्हां ने एक कंक्रीट दे नाल नहर पक्की करन दा एक प्रोग्राम लिखिया सरकार ने। तुसीं मैनूं एक गल दसो भी हरियाणे नूं असीं पानी देना नहीं, कोई बूंद नहीं देना, तो इन्हां नूं की मजबूरी बन गई राजस्थान नूं सरकार नूं पानी देना? जिहड़ा पानी है ये साडे नाल हर इक नाल धरातल नाल जुड़िया हुआ एक मुद्दा है। जे नहर पक्की हो जाती है, मान लो ये कंक्रीट नाल, तो जिन्नियां भी पैलियां जां जिन्ने बाग है जां जिन्ने शहर निवासी है जां जिन्ना एरिया आउंदा, सारे पानी तो बिना अधूरे है। हुण तुसीं पिछे जाके एक सर्वे इन्हां दा कीतो, तुसीं आप भी करके देख के आओ जीरो ग्राउंड तो, जिथे इन्हां ने पिछे पक्कियां कीतियां, जिहड़ा नलकियां दा पानी है बहुत डाउन जा वड़िया ते खारा हो गया। यही हालात इत्थे भी शहर दे विच हो जांदे आ। इहदे करके एक जल बचाओ मोर्चा आरंभिया गया, जिहदी आरंभता होई सी छोटे लैवल तो हुंदी हुंदी, इह साडे संबंध किसान जथेबंदियां दे संयुक्त मोर्चे दे संबंध दे नाल इह पूरी कायम होई। अज असीं छोटे लैवल तो यह काम शुरू किया, जिहदे च असीं MLA साहब नूं भी, स्पीकर साहब नूं, सरकार नूं, DC साहब नूं, SDM साहब नूं, SC साहब नाल भी असीं सर्वे किया सी भी इस करके एरिया जिहड़ा साडा इह छड्डिया जावे, इत्थे तुसीं इहनूं कंक्रीट नाल ना करो, जिवें हैगा इहनूं आए रहण दिओ। चलो जे कितें टुट्टी भज्जी लगदी अपने नहरां दे पुलां दे करारिआं ते तुसीं उन्ना काम दा कर लो, पर असीं कंक्रीट नाल ते फाइबर नाल पक्की नहीं होण देणी, जिन्ना मर्जी सानूं संघर्ष लड़ना पवे। अज इह मोर्चा असीं 30 तरीक दा तां इत्थे लाया सी, इन्हां ने एक प्रोग्राम दित्ता सी वी 30 तरीक नूं असीं बंदी करनी है, जे अज इह बंदी करदी असीं मोर्चा ला देणा। हुण इह तरीक गांह जावड़ी जनवरी दी, फिर देखांगे। इक एक्शन कमेटी बनी हुई है, एक्शन कमेटी की फैसला लेंदी है, पक्का मोर्चा लाउणा है, कित्थे लाउणा, अगला की प्रोग्राम है, वो एक्शन दे हिसाब नाल असीं अगला प्रोग्राम लिखांगे। बाकी एक गल स्पष्ट है भी असीं कंक्रीट दी बन नहीं देनी, भावें जो मशीनरी आ चुकी है। हांजी, किवें लगदा है ये रोज काम? देखो जी, ऐं तां फिर जे आपां पिछे नूं जा वड़गे तां दिल्ली मोर्चा असीं लाया सी तां उत्थे बड़ा कुछ होया सी, ते मोदी आ तां मौकण है, ते असीं जो इह कहिंदा कर हुंदा नहीं, पर उह देख लो तुसीं उहनूं थुक के चटणा पिया बंदे नूं, ते इह तां गल ही कुछ नहीं। इह तां असीं पंजाब 'च बैठे हां, असीं जे दिल्ली जा सकदे, इत्थे सानूं की होया? इह मशीनरियां मशूनरियां मुड़ जांदियां होंदियां, ठेके ठूके कैंसल हो जांदे होंदे, एडियां कोई खास गल्लां नहीं। हाँ, लोकां दा, शहरियां दा, भरावां दा एका चाहीदा, फिर सारे मसले हल हो जांदे आ।
असी एक लड़ रहे हैं, कोई नहीं आने वाला टाइम दस दूंगा भी कंक्रीट ना पक्की करते हैं कि फिर मोर्चा लगता। असी जिहड़ा जल जीवन बचाओ मोर्चा वालों इत्थे नहरां दे उपर एक कट रख्या, वह इस गल वास्ते कि साडा जिहड़ा संघर्ष पहले ही लगातार चल रहा कि जिहड़ियां फरीदकोट दे विच दो नहरां पैंदियां, यह दोवें नहरां इन्हां दे तले पक्के करन दी गल कीती जा रही है, कंक्रीट फाइबर शीट पाउण दी गल कीती जा रही आ, उहदे खिलाफ यह जल जीवन बचाओ मोर्चा का संघर्ष आ वह जिहड़ा लगातार जारी हैगा। गलबात यह है जी कि असी जो डिप्टी कमिश्नर साहब न मिले हाँ, जो अं मैडम मिले हाँ तो मैडम यह गल पूछा गया कि फरीदकोट के एम एल ए कोटकपुरे के एम एल ए जो कि साढ़े विधानसभा के स्पीकर भी ने, उन्हें दोहां वालों एक गल कही हुई है कि यह फरीदकोट दहर जड़िया पक्या वो ना की जा। मैडम डीसी का यह कहना कि मैनू उस बयान का कोई पता नहीं गा, यह काम जरा शुरू होगा तो ये वास्ते जरा तैयारियां चल रही, यह काम जो शुरू किया जाऊगा, तो इतों जोड़ा एम एल ए साहब के या स्पीकर साहब के उन्होंने बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता गा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आ ये प्रोजेक्ट पंजाब का पानी खोण वास्ते वो केंद्र सरकार का जोड़े केंद्रीकरण का हमला हैगा, वो पंजाब का पानी जोड़ा पंजाब तो खोना चाहते हैं, पंजाब तो खो के वो राजस्थान वाली जी सा वीडी नहर हैगी इस पानी की इस नहर की कपैसिटी वधा के ये 5000 क्यूसिक जरा कपैसिटी यदि वधा के वो जो नहरी विभाग के एससी साहब सानू जो मिलन भी आए उन्होंने अपने मूहे गल मन के गए कि नहर जी वध पानी लैके जा सकती है, पर नहर जी घट पानी लैके जा रही है, मैं इस नहर के वध पानी लैके जाना, और वो वध पानी लैके कितने जाना, वो राजस्थान के उतों की इंडस्ट्री वास्ते उतों की खेतीबाड़ी वास्ते अज सूरतगढ़ तक भी ये झोना लगता पाया है, राजस्थान की धरती के झोने वर्गी फसल हो रही है, जोड़ा रेतला इलाका है उत्थे झोने की फसल हो रही है तो पंजाब के पानी के सिरते हो रही है, और उसके उल्ट जोड़ा पंजाब की जी धरती की हालत हैगी कि साडा जोड़ा धरती हेठला पानी वो झोने की फसल ने खा लिया, 86% पानी असी कढ लिया, पंजाब जिहड़ा वो रेगिस्तान बनते किनारे आ, और जिहड़ा रेगिस्तान सीगा पंजाब जिहड़ा जिहड़ी रेतली धरती सीगी वो पंजाब दे सिर ते जिहड़ा उत्थे जिहड़ा झोने वर्गी फसल जिहड़ी वो पैदा की जा रही है, जबकि उसके उल्ट राजस्थान ने वो पानी पीण वास्ते लिया गा, उपर पीण वाला पानी का कह के अज उत्थे जिहड़ा खेतीबाड़ी वास्ते इंडस्ट्री वास्ते वो पानी वरत रहे हैं, वह सारा यह प्रोजेक्ट है साढ़े तो पानी जिहड़ा खोना चाहते हैं, और वो खिलाफ़ जिहड़ा असीं डट के खड़े हाँ, इहदे ते एम एल ए साहब का जिहड़ा बयान आ उस गल दी जिहड़ा उन्होंने फूक इतों के जोड़े डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कढ़ती है कि सिविल प्रशासन इस गल तो बिल्कुल इनकारी आ कि सानू इस गल नाल कोई मतलब नहीं गा, ये काम का प्रोजेक्ट जिहड़ा वो हर हाल के चलूगा।